जब भी हम लोग कोई पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम में एक प्रॉब्लम यह आता है कि कभी कभी हम लोग बाय मिस्टेकली जो ईमेल आईडी है ये इनकरेक्ट डाल देते हैं वहाँ पे, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है जो ईमेल में पीडीएफ आता है उसके लिए हम लोग तत्काल में हमें चाहिए होता है लेकिन वो हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। सो गाइस, क्योंकि रॉन्ग ईमेल आईडी हो जाता है और एनएसडीएल रॉन्ग ईमेल आईडी पे सेंड कर देता है आपको, क्योंकि वहाँ पे जब आप इंटर करते हो ईमेल आईडी तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हो जाता है कभी से कीबोर्ड का मिसिंग की वजह से, कभी आपके खुद का गलती से हो जाता है। सो गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन है उसका, ठीक है। सो गाइस, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आपको अगर एक दिन में वो चाहिए होता, तीन दिन में आपको मिल जाता तो तीन दिन में आपको मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ पर थोड़ा चार या पाँच दिन के बाद आपको ट्राई करना है। सो अगर आपके पास डिजिटल इंडिया पेट्रोल का आईडी पासवर्ड है तो बहुत आसान है। आपको पेट्रोल पे सिर्फ पैन कार्ड के सेक्शन में जाना है और यहाँ से जो भी पेन है आपको सेक्शन को सिलेक्ट करना है, एनएसडीएल या यूटीआई। तो यहाँ पे यूटीआई का मैं दिखा देता हूँ, एनएसडीएल का एक दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड ई पेन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली ये पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करना है और आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसको डालना है और डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ मंथ और ईयर को डालना है, ठीक है, डेट नहीं डालना है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डाल के मंथ और ईयर, जैसे कि आपका 29/5/1995 है तो सिर्फ 5/95 डालना है, 29 को नहीं डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट जैसे ही कर देंगे अगर आपका वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डिजिटल इंडिया पोर्टल नहीं है तो आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से डायरेक्ट ये पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपका सेम प्रोसेस है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका जो पैन कार्ड है वो आपका सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। और जो लोगों को ईमेल आईडी ही करेक्ट करना है उनको फिर से करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा, विदाउट करेक्शन आपका जो ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, पूरा करेक्शन का प्रोसेस सेम फी लगेगा। थैंक